है गाइस, वेलकम बैक माय चैनल माई 707। मैं हूं महेंद्र कुमार और आज आपको लेकर आया हूं बाल कुमारी टेम्पल, जो गंजाम उड़ीसा का एक बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है। मैं आज आपको यहां से मतलब नेचर का इतना अच्छा व्यू दिखाने वाला हूं, तो बने रहे मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए मैं आपको घुमाता हूँ बाल कुमारी टेम्पल। माँ बालकुमारी मंदिर ऊंचे ऊंचे पर्वत एवं खूबसूरत नज़ारों के बीच प्रकृति के गोद में पल रही एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, जो माता आदि शक्ति पार्वती के बाल्य रूप बालकुमारी को समर्पित है। यह मंदिर उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले के ब्रह्मपुर शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। आप यहां पहुंचने के लिए कैब या बस के सहारा ले सकते हैं। यहां पर आपको प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल जाएगा, तो आप यहां ज़रूर आएं और विजिट कीजिए। यहां आने के बाद ऊपर मंदिर को जाने के लिए रोडवे है, जो यहाँ का मुख्य रास्ता है। इसके अलावा यहाँ पर सीढ़ियों का भी रास्ता है, जिसके सहारे भी आप ऊपर जा सकते हैं। ये गाइस, मंदिर जाने के लिए दूसरा वे है, जो कि स्टेप में है। पता नहीं, यहाँ बोल रहे हैं अराउंड 1200 के करीब स्टेप्स हैं, तो देखते हैं हम ऊपर जाएंगे कितने दूर तक जा पाते हैं। बहुत थकाने वाले रास्ता होगा। अब मैं आपसे आधे रास्ते में या ऊपर जाकर बात करता हूँ। चलिए, रास्ता बहुत ही थका देने वाला है। रास्ते में कुछ लोग मिले, वो बोल रहे हैं 1272 स्टेप्स हैं। अब देखते हैं कितने दूर तक चढ़ते हैं हम लोग। राउंड अभी तो 200 भी नहीं हुआ है, 1272 बहुत ही थका देने वाला रास्ता है। लेकिन नज़ारा देखिए बहुत ही खूबसूरत है, आप यहाँ घूमने जरूर आए और ये भी बहुत अच्छा है। तो आप अगर रोडवे से चाहें तो पर्सनल व्हीकल है तो आप जा सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं आप बहुत सारे श्रद्धालु जो कि जा रहे हैं ऊपर, हम भी चलते हैं। अभी तो अराउंड 300 स्टेप भी नहीं हुआ है, पता नहीं कब तक पहुँच जाएंगे। रास्ता बहुत थका देने वाली है, बट मज़ा भी बहुत आ रहा है। माता के दर्शन करके जरूर जाएंगे। मुझे रास्ते में मिला है यहाँ पे भगवान कृष्ण का स्टैचू, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पे लिए खड़े हैं, और आधे रास्ते में आप इसकी दर्शन करके जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ, देख लीजिए। हमें सीढ़ियों से जाते वक्त आधे रास्ते में भगवान कृष्ण की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति देखने को मिली। आधे से ज़्यादा चढ़ाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आपको रास्ते में ऐसे विशाल विशाल चट्टान मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी बड़े हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत है। और चलिए आगे की ओर रास्ता हम पार करेंगे। अभी तो सिर्फ आधा हुआ है और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। चलिए, नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, इससे ज़्यादा खूबसूरत रोड वे है। जाते समय पैदल उससे जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा वहाँ का भी नज़ारा। चलिए मेरे साथ बने रहिए। गाइस, रास्ता बहुत ही थकाने वाला है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप स्टेप से ना आए। अगर आप अपने व्हीकल से आए तो आप रोड वे से ही जाएं, क्योंकि 1272 बहुत सारे स्टेप होते हैं और ये रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पैदल ना आए। अगर आपकी शक्ति में भक्ति है तो ही इसमें आए, अदरवाइज रोड वे से आप जा सकते हैं। चलिए मैं सीधे ऊपर जाके आपसे मिलूंगा और खूबसूरत नज़ारा और माता का आशीर्वाद लेके भी जाएंगे। चलिए,
काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है मेरे पीछे देख सकते हैं, और रास्ता भी काफ़ी ढलान है जो कि बहुत ही खूबसूरत। अभी तक हम 1/3 ही रास्ता क्लियर कर पाए हैं, आगे कुछ और भी स्टेप्स हैं, हम पार करके आगे जाएंगे और बहुत ही थक चुका हूँ। फाइनली मैं ऊपर पहुंच चुका हूं। अगर आप रोडवेज से आते हैं तो आप ऐसे नीचे से यहां से आएंगे, मैं इधर से आया हूं, स्टेप से आया हूं, और जाते समय मैं आपको नीचे का व्यू दिखा के लेके जाऊंगा। चलिए मेरे साथ ऊपर चलते हैं। मंदिर के ऊपर आपको प्रसाद के तौर पर मीठा भात, लड्डू एवं उड़ीसा के ट्रेडिशनल फूड मिल जाएंगे, जिसे आप प्रसाद के तौर पर ले सकते हैं, एवं यहां पर पूजा की सामग्री भी अवेलेबल है। आप अगर अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो यहां पर पार्किंग के लिए भी सुविधा किया गया है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, यहाँ पर पार्क और एक छोटा सा शिव जी का मंदिर है त्रिलोकेश्वर, और यहाँ पर बहुत ही गार्डनिंग के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, और काफ़ी सुंदर लगेगा अगर ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन अगर कंप्लीट हो जाता है तो। ये कम्प्लीटली एक हिल स्टेशन है, इसे उड़ीसा का ऊटी भी कहते हैं, तो आप यहाँ आएँ और नेचर का एंजॉय ज़रूर कीजिए। मैं अभी रिटर्न जा रहा हूँ रोडवे से, मैं आपको दिखाऊंगा रोडवे से ही बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। आते समय मैं स्टेप्स आया था और स्टेप्स 1272 स्टेप थे, तो काफ़ी थका देने वाला रास्ता था। अगर आप कभी भी आते तो रोडवे से, अगर आप पैदल भी आते तो रोडवे से आइए, अदरवाइज आप व्हीकल से आते तो रोडवे से आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और स्टेप वैसे तो आप ना आए तो ही अच्छा है, क्योंकि वो बहुत ही थका देने वाला रास्ता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रोडवे है और रोडवे का नज़ारा मैं आगे जाके आपको बता दूँ। चलिए मेरे साथ बने रहिए। ये रोडवे भी चढ़ाई अराउंड 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो पैदल आने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, आप अगर व्हीकल से आते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अभी और भी रास्ते हैं बहुत सारे, मैं नीचे जाके आपसे बात करूँ। चलिए, रास्ता बहुत ही खूबसूरत है लेकिन रास्ता बहुत ही ज़्यादा ढलान है। अगर आप बाइक से आते हैं तो, अगर आपकी बाइक की कंडीशन अच्छी है तो ही आएं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है।